हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटिक विजन बिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जैक मार्टिन के होम थिएटर साउंड सिस्टम के बारे में, जो कि ये जो ब्रांड है पिछले साल से इतना जबरदस्त लोकप्रियता हासिल किया है अपने क्वालिटी की वजह से कि ये अक्सर देखा गया है कि ये पूरे साल जो है अक्सर आउट ऑफ स्टॉक देखा गया है। कई सारे मॉडल्स इसके इतने ज्यादा पसंद किए गए हैं कि वो मॉडल अक्सर आउट ऑफ स्टॉक देखा गया है, क्योंकि इसके साउंड से इतने बेहतर हैं। जो इसका प्राइसेस है, प्राइस के हिसाब से अगर अदर ब्रांड से अगर हम टैली करते हैं तो वहां पर जैक मार्टिन साउंड सिस्टम में बहुत ही आगे निकल जा रहा है। ये बिल्कुल क्वालिटी के साथ में, यानी कि बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल साउंड के साथ साथ में लाउडनेस को भी बिल्कुल मेंटेन करके रखा है, तो जबरदस्त साउंड है। आपको जिस ब्रांड पर भरोसा है वो ब्रांड आप ले सकते हैं। एक्चुअली आप लोग काफी कमेंट्स में कहते हैं कि आप तो सभी को सही बताते हैं, तो एक्चुअली मैं जितने ब्रांड्स को लेकर के आता हूं मैं सही ब्रांड्स को ही लेकर के आता हूं। अगर कोई ऐसा वैसा ब्रांड है तो मैं इसको लेकर के ही नहीं आता, या फिर किसी ब्रांड में कुछ मॉडल अगर बहुत ही प्यारा है तो उस मॉडल्स को मैं लेकर के आता हूं। तो जो मैं लेकर के आया इसका मतलब वो सही है। आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन से बजट में चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा सूट कर रहा है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। लेकिन जैसा कि मैंने एक वीडियो में एफएनडी के बारे में भी बताया हुआ है, वो क्लियर एंड क्रिस्टल आवाज में बिल्कुल मास्टर है। यह जबरदस्त आया है, जबरदस्त लोकप्रियता हासिल किया है, क्योंकि इसके अंदर लाउडनेस बेस वगैरह बहुत ही ज्यादा है, तो ये जो है लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अगर आपको भी जानना है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में है जैक मार्टिन होम थिएटर साउंड सिस्टम। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी वीडियोस मैं दे रहा हूं ये बिल्कुल ये अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का जो महासेल है उसको ध्यान में रखते हुए, और धनतेरस, दिवाली, नवरात्रि ये सब के जो सेल्स आते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं लिंक दे रहा हूं। ये जितने भी मैं लिंक दे रहा हूं जिसके बारे में मैं बताऊंगा, ये सारे के सारे लिंक उस सेलर के हैं जो पूरे साल एक बेस्ट प्राइस, बेस्ट रेट दिया करते हैं। तो आप इस लिंक से कभी भी आप जो है बाय कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होगा कि जो आज का प्राइस है इसके अंदर सेल के अंदर बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस नजर आए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे बेस्ट सेलर हैं जो अपना प्राइस हमेशा एक बेहतर रख करके चलते हैं, पूरे साल एक मेंटेन करके चलते हैं। फिर भी एक बार सेल के अंदर आप जरूर देखें कि इसके प्राइस में कितना ज्यादा डाउन हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं ये जैक मार्टिन का जेएम 500 मॉडल 2.1 में। 2.1 का मतलब एक आपका सबवूफर होगा और दो जो है सैटेलाइट स्पीकर होंगे। तो इसके अंदर आपको मिलता है इसे होम थिएटर सिस्टम विथ एसडी कार्ड के साथ में, ब्लूटूथ, एफएम और रिमोट कंट्रोल के साथ में ये मिलेगा, यानी कि पूरे फीचर से लेस है ये आपको पड़ रहा है 4,180 रुपए का। प्राइस देखें, प्राइस ये हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है आपके मॉडल के हिसाब से, जो बेस्ट प्राइस में मिले उसे आप बाय कर सकते हैं। अगर हम इसके स्पीकर्स की बात करें तो इसका स्पीकर्स जो है एक 25 वाट है जो सब बुफर स्पीकर है, और ये 4 इंच का है, और सेटेलाइट स्पीकर में 2.75 इंच के दो लगे हुए, दोनों में एक एक लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो वो है जैक मार्टिन 222 मॉडल नंबर 2.1 में ही ब्लूटूथ एसडी कार्ड मल्टीमीडिया स्पीकर है ये, और सिस्टम विथ बिल्ट इन एफएम के साथ में है, यानी कि ब्लूटूथ एसडी जो है सब में है ही। और इसके अगर स्पीकर की हम बात करें तो 35 वाट में है, जो पिछला आपने देखा ये 25 वाट में है लेकिन महंगा है, ये 35 वाट में है उससे सस्ता है। तो यहां पर प्राइस पर आप ध्यान ना दें कि वो प्राइस में महंगा इसलिए बेस्ट है उससे ज्यादा साउंड है, ऐसा नहीं है। ये उससे वाटेज में ज्यादा है, ज्यादा साउंड है लेकिन प्राइस में कम है, क्योंकि ये ऑनलाइन अप एंड डाउन हमेशा चलता रहता है। और ये जो है 35 वाट सबवूफर है वो 5.25 इंच का है, और सैटेलाइट स्पीकर जो है 3 इंच के दो लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है पिछला वाला से
ज्यादा साउंड में है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है 3,290 रुपये, यानी कि आज का प्राइस में अगर देखा जाए तो उससे बेहतर है, लेकिन ज्यादा वाटेज में है। उसके बाद जो है ये वाला मॉडल है, ये जैक मार्टिन 801 नंबर है, ब्लूटूथ, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, 2.1 होम थिएटर है ये, और सिस्टम विथ बिल्ट इन एफएम रेडियो, एफएम रेडियो के साथ में भी ये आ रहा है, यानी कि पूरे फीचर से लेस है। अगर हम इसके स्पीकर की बात करें तो 35 वाट भी है, मॉडल थोड़ा चेंज है, यानी कि वाट जितना साउंड पिछला है उतना ही साउंड इसके अंदर भी है, और 5.25 इंच का स्पीकर का साइज वही है, और 3 इंच के दो, यानी कि जो दोनों सेटेलाइट हैं उसमें 3-3 इंच का स्पीकर लगा हुआ है, यानी कि वाटेज बिल्कुल वही है। तो पिछला और ये दोनों में से अगर प्राइस वाइज देखें तो पिछला बेस्ट है, तो दोनों में से जिसका सही प्राइस लगे वो आप ले सकते हैं। फिलहाल इसका प्राइस जो है 4,265 रुपये है, और ये थोड़ा प्रोफेशनली भी है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं पिछला जो है ये वाला मॉडल है और ये मॉडल, मॉडल वाइज ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, हो सकता है इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वाइज दोनों ही बिल्कुल भी सेम है। उसके बाद जो है ये है जैक मार्टिन 668 नंबर, और ये ब्लूटूथ, एसडी कार्ड और बिल्ट इन एफएम रिमोट वगैरह सब कुछ, यानी कि सब कुछ इसके अंदर भी है। अगर हम इसके वाटेज की बात करें तो ये जो है 45 वाट, यानी कि पिछले वालों से ये थोड़ा सा आगे है, 45 वाट है, और 5.25 इंच स्पीकर बिल्कुल साइज वही है, 3-3 इंच का दोनों सेटेलाइट में स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन वाट इस यहां पर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ करके मिल रहा है, तो इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है, 4,599 यानी करीब करीब 4,600 रुपये में आपको मिल रहा है। तो थोड़ा और ज्यादा लाउडनेस चाहिए तो आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ये वाला मॉडल है 2.1 के अंदर ही, और यह है जैक मार्टिन 988, ब्लूटूथ, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव और बिल्ट इन एफएम रेडियो, यानी कि सब कुछ फीचर इसके अंदर भी है। अगर इसके स्पीकर की बात करें, वाटेज की बात करें तो 60 वाट है, ध्यान देंगे 60 वाट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा साउंड है, और बुफर में इसका जो है मेन 6 इंच का बुफर लगा हुआ है, यानी मेन जो बुफर के लिए स्पीकर है 6 इंच का लगा हुआ है, और जो साइड में है 3-3 इंच का दो लगा हुआ है, एक में यानी कि 4-3-3 इंच का लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसका बेस एंड झनकार बहुत ही ज्यादा आपको मिलेगा, बेस ट्रेवल बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही ज्यादा लाउडनेस मिलेगा, तो आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये वाला मॉडल है जैक मार्टिन X5, और ये जो है USB, SD, ब्लूटूथ, FM रिमोट कंट्रोल, यानी कि सारा का सारा फीचर इसके अंदर भी है। अगर हम इसके भी बात करें, अगर आउटपुट की बात करें तो ये 90 वाट है, आप देखेंगे कितना हाई एंड है ये, 90 वाट के अंदर ये आपको मिल रहा है, और 3 इंच का जो सेटेलाइट है वो दोनों ट्विटर जो साइड में लगे हुए वो है 20 वाट के, वो है यानी कि 90 वाट का आपका बूफर है और 20 वाट के जो है साइड के ट्विटर है, टोटल मिलाकर के 110 वाट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अगर आपको साउंड चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल होम थिएटर अपने घर को बनाना है, जबरदस्त साउंड, डांस वगैरह करना है, बहुत ही ज्यादा साउंड चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है 7,597 रुपये है, यानी कि करीब करीब 7,600, इसको भी आप देखें सेल में हो सकता है अच्छा डील आपको मिल जाए। उसके बाद जो है ये वाला मॉडल जैक मार्टिन का, ये 4.1 में आ गया, जैक मार्टिन 400 मॉडल नंबर है, 4.1 में है, ब्लूटूथ, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, बिल्ट इन एफएम रेडियो रिमोट, यानी कि सारा का सारा इसके अंदर भी है। ये 4.1 में सस्ता मॉडल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, ये शॉर्टेज चल रहा है। स्पीकर की बात करें तो ये जो है सब बूफर आपका पड़ रहा है 38 वाट, और 5.25 इंच का जो है मेन बुफर का स्पीकर है, और उसके अंदर जो लगा हुआ है साइड का 3 इंच के 4 हैं, यानी कि 4 जो है 3-3 इंच का इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है। तो अगर आप अपने टेलीविजन के माध्यम से अगर होम थिएटर बनाना चाहते हैं, पूरा सराउंडिंग साउंड चाहिए, तो आप जो है इसे बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है 4.1 के अंदर ही थोड़ा और साउंड चाहिए आपको, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। जैक मार्टिन 411 मॉडल है ये, ब्लूटूथ, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, बिल्ट इन एफएम रेडियो रिमोट वगैरह सब कुछ, यानी कि ये भी बिल्कुल सारे सिस्टम से बिल्कुल भी सारे फीचर से ये बिल्कुल भी लेस है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी टेलीविजन के साथ में, अगर बिल्कुल अपने रूम को बिल्कुल भी होम थिएटर एक सराउंडिंग साउंड में आप बिल्कुल फील करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसके अगर स्पीकर की हम बात करें तो 45 वाट है बुफर इसका, 5.25 इंच ही है बुफर का स्पीकर का साइज, और 3 इंच का जो है ये चारों 3-3 इंच का जो है उसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको भी बाय कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो, क्योंकि इसके अंदर जो है 4.1 है तो साउंड ऑलरेडी 2.1 से ज्यादा ही रहेगा। उसके बाद की अगर हम बात करें
और ज्यादा हैवी साउंड चाहिए तो ये वाला मॉडल है, जैक मार्टिन 911 ब्लूटूथ एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, बिल्ट इन एफएम रेडियो, यानी कि सारे फीचर से लेस है। अगर इसके वाट की हम बात करें तो ये 70 वाट में है, 5.25 इंच का ही है। आपका स्पीकर यानी कि बूफर वाला स्पीकर, सेटेलाइट 3 इंच का ही है, 4 लगा हुआ है, लेकिन इसका वाटेज आपको ज्यादा मिल रहा है। इसके प्राइसेस आप लिंक पर जाकर के देखें, हो सकता है अवेलेबल हो जाए तो करंट प्राइस आपको पता लग जाए। उसके बाद जो है ये वाला मॉडल है, ये उससे थोड़ा सा आगे है, जैक मार्टिन के अंदर 1600 मॉडल है ये, ब्लूटूथ एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, सब कुछ बिल्ट इन एफएम रेडियो, सब कुछ इसके साथ में मिला हुआ है, ये फुल फीचर के साथ में है। अगर स्पीकर की बात हम करें तो ये आपको 90 वाट में है, 90 वाट और 6.5 इंच का इसके अंदर जो है बूफर वाला स्पीकर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बेस आपको इसके अंदर ज्यादा मिलने वाला है। जो हमने अभी तक देखा वो 4.1 था, ये 5.1 है, यानी कि 3 इंच के आपको जो सैटेलाइट स्पीकर मिलने वाले हैं वो आपको 5 मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल घर को बिल्कुल भी अगर और भी ज्यादा सराउंडिंग साउंड में फील करना चाहते हैं तो आप ये लें। ये सामने जो मेन बूफर होता है वो सामने लगता है, उसके साथ में एक लगता है और बाकी जो 4 होते हैं वो रूम के चारों कोनों पे लगते हैं, तब आपको मिलता है एक्चुअल फील। तो आप इसको जो है बाय कर सकते हैं और इसका प्राइस जो है 5699 यानी कि 5700 रुपए में ये आपको मिलेगा। उसके बाद की अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा लाउडनेस चाहिए, हॉल बड़ा है, चाहते हैं बिल्कुल डांसिंग वंसिंग जबरदस्त साउंड चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हैं। जैक मार्टिन का JM7788 मॉडल है, 5.1 है, ब्लूटूथ एसडी कार्ड, पेन ड्राइव विथ इन एफएम रेडियो, यानी कि सारे के सारे फीचर इसके अंदर भी है, लेकिन इसका वाटेज बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 140 वाट, 6.5 इंच का ही स्पीकर बूफर लगा हुआ है इसके अंदर, सेटेलाइट में 3 इंच के 5 मिल रहे हैं जो कि आपको देते हैं जबरदस्त साउंड। उसके बाद बहुत ही ज्यादा अगर आपको साउंड चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं होम थिएटर के अंदर, ये बहुत ही भयानक आवाज के साथ में ये है। अगर बड़ा हॉल है, जबरदस्त साउंड का शौक है तो आप इस मॉडल को ले सकते हैं। यह है जैक मार्टिन का 9000 मॉडल यानी कि 9000 मॉडल, ब्लूटूथ एसडी कार्ड, पेन ड्राइव के साथ में बिल्ट इन एफएम रेडियो, यानी कि सारे के सारे फीचर से लेस है ये भी। लेकिन वाटेज की अगर हम यहां पर बात करें तो ये वाटेज कम हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली दिखता है। अगर बहुत ही शोर शराबा की अगर हम बात करें तो जिससे पिछला मॉडल है ये कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल साउंड में ये वाला मॉडल माना जाता है और बहुत ही मॉडल वाइज ये बहुत ही प्यारा है। तो 90 वाट के अंदर 3 इंच के सारे जो सैटेलाइट स्पीकर हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जैक मार्टिन अगर बहुत ही अगर जमाने के साथ अगर आप अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जैक मार्टिन लेना चाहिए। मैं भी ऑर्डर करने जा रहा हूं इस बार, लेकिन मैं जो लेने वाला हूं वो पार्टी स्पीकर लेने वाला हूं, बिल्कुल डीजे की तरह, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि पार्टी लेवल पर कौन सा स्पीकर हमें लेना चाहिए, वो भी बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल आग लगाने वाले साउंड सिस्टम्स हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि जैक मार्टिन कौन सा मॉडल लेना चाहिए, कौन सा आपके बजट को सूट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।